नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं स्नेहा भारती आपके साथ। मधुबनी जिले के बेनीपट्टी के मोहम्मदपुर गांव में होली के दिन 6 लोगों की हत्या कर दी गई, जिसके बाद से सियासत काफी तेज है। करणी सेना ने भी मुख्यमंत्री के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, तो वहीं अब पुलिस प्रशासन भी काफी सक्रिय नजर आ रही है। जी हां, आपको बता दें कि इस घटना के बाद आरोपितों के घर की कुर्की जब्ती की गई। आपको बता दें कि 7वें दिन पुलिस की कार्रवाई तेज हो गई है। न्यायालय के आदेश पर 4 थाने सहित बेनीपट्टी थाना पुलिस ने कांड के मुख्य आरोपित प्रवीण झा व नवीन झा के घर भारी पुलिस फोर्स के साथ कुर्की जब्ती की और कार्रवाई की। पुलिस ने मुख्य आरोपित के घर का चौखट से लेकर के खिड़की तक को तोड़ दिया और सारा सामान अपने साथ ले गई। पुलिस ने कुर्की जब्ती के क्रम में घर से बिस्तर, पेटी और जो भी सामान थे सब अपने साथ ले गई। पुलिस ने कुर्की जब्ती की कार्रवाई के दौरान एक हथियार भी बरामद किया। कुर्की जब्ती की कार्रवाई का नेतृत्व कर रहे सर्किल इंस्पेक्टर राजेश कुमार व प्रशिक्षु डीएसपी राकेश कुमार रंजन ने बताया कि शेष बचे सभी फरार आरोपितों को भी शीघ्र ही समर्पण करना होगा। अगर ऐसा उन्होंने नहीं किया तो सभी के घर की कुर्की जब्ती की जाएगी। तो इस तरह से प्रशासन अब मुस्तैद नजर आ रही है और आरोपित प्रवीण झा और नवीन झा के घर की कुर्की जब्ती की गई। चोट लगा लेगा आपने? नहीं नहीं लगे थे चोट, खिचू खिचू मारू मारू एक बार मारू ना। वो तू यार टूट जाएगा। अरे बंदूक है कहीं नीचा नीचा करू सर कहीं हल्का। हाँ हाँ राखो उसमें है नहीं ना, ऐसे लगाइए गोली वोली नहीं ना उसमें। भाई नीचा का नीचा करू सर नीचा। अगर आपको एक बार अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पेज को भी लाइक और फॉलो कीजिएगा। धन्यवाद।